हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अजीत टकरिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आज का मार्केट का जो है ख़राब है। मार्केट एक ही जगह पे बहुत ऊपर तो जा रहा है, लेकिन भाई साहब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको चार्ट ओपन करके कि आखिर ऐसे मार्केट में क्यों जो है हमें जो है एंट्री नहीं लेना चाहिए और हमें जो है ऐसे मार्केट में आखिर कैसे जो है लॉस हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ जो है मैं अभी आपको जो है इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आज वन डे का हम कैंडलस्टिक ओपन करूँगा मैं, और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आज का हाई और पिछला डे का हाई को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये हो गया। अब हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक जो है हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट यहाँ पे आपको ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे गिरा, काफ़ी अच्छा खासा नीचे गिरा। यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन प्रीमियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन जो है यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करके जो है मैं यहाँ को आपको एड द मनी, क्योंकि आज से ही जो है इसका हफ्ता चालू हो रहा है निफ्टी का, तो हम जो है यहाँ पर एड द मनी को हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी मार्केट 25,241 पे चल रहा है, तो हम यहाँ से 25,200 वाला जो है हम यहाँ पे जो प्रीमियम है हम जो है उसका चार्ट जो है यहाँ ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आप देख रहे हो 25,241 पे चल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन जबकि जो चार्ट है जो ये तो ऑप्शन चार्ट है। ठीक है, जो ओरिजिनल निफ्टी 50 का चार्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो है डे हाई के आसपास जो है मार्केट पहुँच चुका है, लेकिन वहीं पे अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो ये अभी भी जो है उसी जगह पे आज का डे लो के उससे करीब ही जो है घूम रहा है, ना कि उसके ऊपर जा रहा है। उसके ऊपर तो बिल्कुल भी जा नहीं रहा है, बल्कि उसके नीचे ही जो है घूम रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ईजिली हिट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर आप एंट्री करते हैं, इस जगह पे अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे से मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पे आके मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ऐसे करके क्या होता है कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी जो है हिट हो जाता है। जब भी हम जो है ऐसे साइडवेज मार्केट टाइप में अगर हम काम करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे बहुत ही इजीली जो है हिट हो जाता है। अब देख सकते हैं कि ऐसे मतलब कि मार्केट अचानक से ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे आ रहा है, तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि आखिर हमें जो है एंट्री कहाँ पे लें। तो ऐसे मार्केट में सबसे अच्छा क्या होता है ना कि हमें अगर थोड़ा सा हम वेट करें, थोड़ा सा रुक जाएँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, उसके बाद अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाएँ तो हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट होने का चांस है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर ऐसे मार्केट में अगर डायरेक्ट एंट्री मारते हैं तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से देख सकते हैं गिरने जैसा जो आप बना रहा है। मार्केट पिछले डे के काफ़ी ज़्यादा हाई ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो मार्केट देख सकते हैं कितनी बार गिरने जैसा बना है। देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल स्टिक ऐसा बनाया है यहाँ पर जैसे कि लग रहा है कि मार्केट बस जस्ट गिरने ही वाला है, ऐसा देखने में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कैंडल बनाए यहाँ पे कि देखने में लग रहा है कि मार्केट बस यहाँ से गिर जाएगा। उसके बाद इस बार भी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट ने सेम ऐसा ही पैटर्न बनाया है, लग रहा है जैसे कि यहाँ से मार्केट जो है फॉल कर देगा, लेकिन ऐसा जो है बहुत ही कम चांस होता है। सेकेंड आप देख सकते हैं पहला कैंडल जो है इसने अभी रेड बनाया, और सेकेंड ही कैंडल में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो है पुश कर गया। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है इजीली हिट हो जाता है और हमें जो है प्रॉफिट होने की जगह पे हमें इतना बड़ा कैंडल देख के कौन ही जो है यहाँ पे सेल करना पसंद नहीं करेगा भाई। ऐसे मार्केट में तो हमेशा हर कोई सेल करना ही पसंद करेगा। अब देखोगे कि इस वाले लेवल से अब देखना मार्केट अच्छा खासा जो है ऊपर की तरफ लगभग नहीं भी तो इस लेवल तक जो है मार्केट जो है बाउंस करेगा, और उसके बाद फिर जो है एक रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ गिरेगा। तो ऐसे में क्या होता है, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो चार्ट है उसमें तो अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं और थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं। अगर ऑप्शन
की चार्ट अगर हम देखेंगे तो वो जो है इस तरीके से बढ़ता है। और जब हमें लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन जब एक भी रेड कैंडल बनेगा ना, तो यहाँ से वो इतना बड़ा जो है यहाँ पर डाउनफॉल कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमने अगर इस जगह पे एंट्री लिया तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे भी एंट्री लिया यहाँ पे तो ऊपर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशन है, जो माइंड सेट है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पर अगर निफ्टी फिफ्टी या कोई भी चार्ट को अगर देखेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर वो गिरता भी है तो वो इतना ही गिरेगा, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो वो ऐसा करके ऊपर जाएगा, उसके बाद जब गिरेगा तो वो इतना तक गिर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा लॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे मार्केट में हमें जो है एंट्री नहीं करना चाहिए, हमें सही वक्त का जो है इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, अगर आप कर सकते हैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रख के अगर एकदम पिन पॉइंट पर अगर आप एंट्री लेते हैं और एकदम ऊपर जाके अगर आप सेल करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल आप रह सकते हैं। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में बस मुझे इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए बस वीडियो को बस मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए, गुड लक और गुड बाय, और ऐसे ही करके ट्रेड करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।